नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और दोनों तो हमने डिसॉल्व की हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है जो उन्होंने फैसला किया है। आज मैं खुद भी मौजूद था कोर्ट में और शाह खबर साहब भी वहीं थे। आज मैंने इनको देखा, माशाल्लाह बड़े हशाश बशाश फ्रेश सूट पहना हुआ था। तो इन्होंने कहा कि वहां बैठ के हमने फैसला सुना है और उस फैसले में ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, जहां अगर मुझे याद सही पड़ता है तो ये गुफ्तगू वहां पे हुई कि जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है उनके वकील साहब ने उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया, बल्कि आखिर में तो रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तो उस वो वहां से काम उनका अधूरा रह गया है और उसके लिए उन्होंने एक सहूलत दी है कि पिटिशन करके, तो उसका भी फैसला मेरे ख्याल में दोनों डेट्स में मुझे नहीं लगता 10-15 दिन से ज्यादा का गैप होगा। जाहिर है वो चाहते नहीं थे कि कोई फैसला ऐसा दें जिसमें गवर्नर की रिप्रेजेंटेशन ना हो और उसका वकील, उनका वकील उनको रिप्रेजेंट उसने ना किया हो। तो वो तो एक उन्होंने एक एक्स्ट्रा मौका और दिया है गवर्नर साहब को कि गवर्नर साहब आप बेशक मौलाना फजल रहमान साहब के शागिर्द हैं, लेकिन कभी कभी आईन की भी पाबंदी कर लिया करें। पहले ही आपके बारे में सुप्रीम कोर्ट के पिछले ऑर्डर में भी बात आई थी कि गवर्नर साहब जो है उन्होंने आईन से बाहर वो फैसला किया था जो उन्होंने वो डेट नहीं दी थी। मेरे ख्याल में बार बार शायद सुप्रीम कोर्ट के लिए भी मुमकिन ना हो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गवर्नर साहब को बार बार मौके दें। मेरे ख्याल में इनके पास आखिरी मौका है।